हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको दिखाते हैं आरसी 200 का, जो हमने नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि मिसिंग की प्रॉब्लम ख़त्म करी थी। आज हम आपको दिखाते हैं उसके अंदर फ़ैन की क्या प्रॉब्लम थी उसके अंदर और क्या क्या फॉल्ट निकला उसके अंदर। आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसके अंदर क्या प्रॉब्लम निकली। एक ये फ़ैन की जो रिले थी ये ख़राब थी, कोई लंबा चौड़ा फॉल्ट निकल गया। एक ये फ़ैन की रिले ख़राब थी। दूसरा हमने आपको दिखाया ये हमारा ये फ़ैन ख़राब था जो इसके अंदर लगा हुआ, अभी हमने खोला नहीं, अपना फ़ैन लगा के चेक करा इसके अंदर, और थोड़ी बहुत वायरिंग का इशू था जो हमने कर दिया। चलिए आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं इसको। देखिए हमने इसका फ़ैन खोला, पर ये भी रिपेयर करा हुआ फ़ैन है पूरा। हमारी एक खासियत है, हम कभी रिपेयर नहीं करते फ़ैन को, नया ही लगाते हैं। ये देखिए हमारा फ़ैन, ये आपको पीछे की पेस्टिंग से ही पता चल रहा है और फिटिंग से पता चल रहा है कि एकदम ओके रिपोर्ट है। हम रिपेयर नहीं करते कभी भी, क्योंकि जेन्युइन की जो क्वालिटी होती है ना, जेन्युइन ही होते हैं और लोकल ही होता है। लगा दी हमने तार इसके अंदर, मतलब चेक करते हैं एक बार फ़ैन इसका, लगा तो दिया ही हमने। स्टार्ट करेंगे इसको। ये हो गई गाड़ी स्टार्ट। इसकी वायर भी लगी हुई है फुल कंप्लीट, और ये रास्ता फैन अभी आपको दिखाते हैं। कम से कम 10 से 15 मिनट बाद चलेगा ये, जब इसकी सुई टेम्परेचर वाली यहाँ तक आ जाएगी। जब इसकी सुई यहाँ आ जाएगी ना टेम्परेचर ऐसे बाद, तब ये चलेगा फैन। अभी टाइम लगेगा इसको चलने में। पॉइंट्स आने चालू हो गए, गाड़ी हमारी स्टार्ट है, धीरे धीरे पॉइंट्स आ रहे हैं। जब ये एस के पास आ जाएगी ना, तब चलेगा इसका फ़ैन। आपको दिखाएंगे हम अभी इसका फ़ैन जब चलेगा। तो देखिए धीरे धीरे इसके डंडे बढ़ते हुए जा रहे हैं। लगेगा इसमें टाइम थोड़ा, कम से कम 10 से 15 मिनट तो लग जाते हैं, 15 या 20 मिनट बाद इसका फ़ैन चालू होता है। पर सर्दी है ना अभी, तो इतनी जल्दी गाड़ी हीट भी नहीं मारेगी, इसको चाहिए टाइम। अपने टाइम पे ही फ़ैन चलेगा ये। बस देखिए फ़ैन चलने का टाइम हो गया है, तो फ़ैन चल जाएगा कुछ ही देर में, क्योंकि इसकी सुई यहाँ तक आ चुकी है। ये जैसी एच पे जाएगी ना, एच के पास, अभी चल जाएगा फ़ैन एकदम। देखते रहिए बस, चल जाएगा फ़ैन। तो चल गया फ़ैन इसका एकदम, आवाज़ आ रही ना एकदम, आवाज़ आ रही फ़ैन की, देखिए फ़ैन चल गया। ये भी दिखाए थे आपको, तो पूरी वायर वायर निकाल के, कि हमने कोई जुगाड़ नहीं करा हुआ इसमें, जेन्युइन तरीके से ही चल रहा है। ये देखिए इसका सॉकेट भी यहाँ पर लगा हुआ है, जेन्युइन तरीके से ही पूरा फैन चला, जो उसका टाइम पे चलना चाहिए। ये देखिए आ गई ना इसके पास सुई, दो डंडे कम है बस यहीं चल जाता है फैन, क्योंकि हम चला नहीं रहे, खड़ी गाड़ी पे चल रहा है ये भी। तो हम पैक करने की तैयारी कर रहे हैं इसको पूरी गाड़ी, क्योंकि काम हो गया कंप्लीट, तो पैक कर देते हैं गाड़ी को। ये इसकी तार पे भी हमने जॉइंट लगाया इस पर, देखिए अलग से तार। एक पॉइंट जल रहा है इसके अंदर बल्ब का, जो दूसरा पॉइंट भी जल रहा, तो एक एलईडी ट्यूब डालनी पड़ेगी हमें इसके अंदर। इसके अंदर निकालते हैं, निकालिए ट्यूब इसकी, ये नहीं, ये भी अपने पास से डालेंगे।
ये ब्लब फूक गया इसका, ये भी नया डालते हैं अभी, जाओ लेके आओ उसको नया ब्लब। ये इसकी हमने बॉडी लाइन करनी फिर दी फिट, ये टैंकी का ढक्कन फिट कर रहे हैं। दोस्तों हमारी तैयार हो गई है जाने के लिए, काम हमारा ख़त्म हो गया, इसके अंदर रात को ही ख़त्म हो गया था। कस्टमर आ रहा लेने के लिए तो मैंने कहा एक बार वीडियो तो बना लूँ उसकी, स्टार्ट और स्टार्ट करके हमने ट्राई वगैरह सब मार ली है, फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी के अंदर। अब हमारा आज काम था मिसिंग का और दूसरा फैन का, सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई इसके अंदर। अब बाकी जो है बॉडी लाइन का है वो तो अपने आप ही करता रहेगा, हमारा कोई इशू नहीं है इसमें। जितना हमारा काम था हमने सारा कर दिया, कस्टमर काफ़ी परेशान हो रहा था बस का, हो गई सेट।